नमस्कारम, मैं हूं नित्यानंदम श्री और आज का योग टीचर ट्रेनिंग सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसी मुद्राएं सिखाऊंगा जो शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर फेंकने में, डिटॉक्स करने में बहुत ही काम आती हैं। चाहे फिर वो हमारे अंदर इकट्ठे हो रहे मल हो, गंदगी हो और वायु हो, गैसेस हो तरह तरह की, या फिर पानी हो, अत्यधिक पानी जिसको आप एक्सेस वाटर रिटेंशन बोलते हैं, इन सब दोषों को या तरह तरह के केमिकल्स और बॉडी में जो इकट्ठे हो जाती गंदगियाँ वो हों, इन सब को ही निकालती हैं। क्या है ये मुद्राएं, आइए देखते हैं। इनको कहते हैं अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा। मैं आराम से आपको सिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। आपको सबसे पहले अपान मुद्रा बता दूं क्या होती है और क्यों इसको, किसके लिए इसको लगाना होता है और कैसे कब लगाना है। देखिए, बीच वाले दो उंगलियां आपने अंगूठे के साथ स्पर्श करा देनी है, उनके टोप ऐसे ना करिएगा, ये गलत होता है। ऐसे आपस में इनके टोप मिलने चाहिए और अंगूठा जो है ये दोनों उंगलियों को बराबर शेयर करना है, बांटना है दोनों के बीच। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक उंगली पे तो लगा दें और दूसरी उंगली साइड पे ऐसे रखी हुई है लेकिन उस पर आपका टच नहीं हो रहा अंगूठा। आप दोनों को इस तरह से लगा के हाथ घुटनों पे रख के बैठ जाएं। 5 मिनट से लेके 20-25 मिनट तक इसको सुबह शाम लगाया जा सकता है और खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद से कभी भी आप लगाएं, खाली पेट लगाएं तो और भी अच्छा। खाना खा के तुरंत नहीं लगाना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि योग के वक्त भी लगाई जा सकती है या फिर आप दिन भर में कभी भी टीवी देखते समय, शांत बैठे हुए कभी भी एक समय में लगा सकते हैं। कोशिश करें एक फिक्स समय पर लगाएं ताकि बॉडी क्लॉक को पता चल सके कि आपकी बॉडी को किस वक्त डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो हो सके तो आप सुबह या शाम का समय जब योग के लिए उपयुक्त होता है उसी समय में करें। तो ये है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा, अपान क्या होता है पहले ये समझ लो। अपान का मतलब होता है जो प्राण वायु पैर के अंगूठे से लेके हमारे जेनिटल्स यानी गुप्तांगों तक काम करती है उनको हम अपान, उस एरिया के अंदर काम करने वाली प्राण ऊर्जा को हम अपान कहते हैं। तो जब उस एरिया की प्राण ऊर्जा के लिए आप अपान मुद्रा लगाते हैं, मतलब आप अपान ऊर्जा को बैलेंस करना चाहते हैं। अब जिनकी अपान ऊर्जा बिगड़ी होती है उनको पैरों में सूजन आ जाती है, बॉडी में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पेशाब की थैली में पेशाब रुकना शुरू हो जाता है या पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो जाता है। ये उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। इसी के साथ जिनको पेशाब की धार पतली आती है, पेशाब करते समय जलन आती होती है, इसका मतलब उनकी अपान वायु जो कि उस एरिया में बिगड़ी हुई है, उस एरिया की वायु, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जिनको पेशाब आता ही नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी है। और प्रोस्टेट में खासकर ऐसा होता है, कई बार पेशाब की धार बहुत पतली हो जाती है, किडनी की समस्या के बाद कभी कभी शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये अत्यधिक पानी जो कि हमारी किडनीज अच्छे से निकाल नहीं पा रही हैं, हमारे ब्लैडर में रुकता है या कुछ ऐसा है, उसको ये निकालने में सक्षम है। हालांकि मैंने शायद आपको बताया भी था कि अगर पेट के एरिया में या अपान के एरिया से ऊपर जो सामान का एरिया है उसमें या फेफड़ों में कभी कभी पानी भर जाए तो उस एरिया के लिए अगर आपको पानी बाहर निकालना है तो फिर उसके लिए जलोदर नाशक मुद्रा थी। आप मेरा वीडियो देख लें जलोदर नाशक मुद्रा का। लेकिन ये है लोअर एरिया के अंदर जो पानी इकट्ठा हो जाए। कई कई बार पैरों में आपको जब दबाते हैं इस तरह से, दबाने के बाद आपको महसूस होता है कि पैरों में सूजन है, गड्ढा सा निशान सा पड़ जाता है और आपको पता होता है कि आपको ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ अंदर उसकी वजह से, तो आप कर लेते हैं आराम से इसको लगा लेते हैं तो फ़ायदा होता है। अपान मुद्रा किडनी के लिए बहुत अच्छी है जिनकी किडनी अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर पा रही। जिन लोगों को भी ज़्यादा यूरिन आता है, पेशाब ज़्यादा आता है, पहले से ही ज़्यादा है, उन लोगों को ये नहीं करनी होती क्योंकि इसका काम तो फिर डिटॉक्स करना हो गया। अत्यधिक फिर ये कहीं कहीं बार पेशाब लगा सकती है। और जिन लोगों को पानी की कमी है अंदर वो लोग भी इसको कोशिश करें ना लगाएं, पानी पूरा पिए फिर आप डिटॉक्स करने के लिए इसको लगा सकते हैं। जैसे बॉडी में थोड़ा बहुत किडनी को डिटॉक्स करना हो गया, यूरिक एसिड निकालना हो गया तो इसको लगाया जा सकता है। बस इससे पेशाब ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आप
समझते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे अंदर से गंदगी निकल रही है और मैं इतना पेशाब जो आ रहा है नॉर्मल है, मैं इसको झेल सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई कमजोरी नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं लगाने से कोई बार बार पेशाब की बार बार हाजत होती जा रही है, तो आप ना लगाएं। हाँ, इसमें आपको ये जो मुद्रा है, आप पूछेंगे मुझे कि लगाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं है, इस तरह की मुद्राओं से कुछ नहीं होता। आपको लगा के अगर लगे कि नहीं मेरे को तो यूरिन ज़्यादा आ गई या ऐसा कुछ है, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, ये बात है। बाकी सबके लिए कितने लंबे समय तक लगाना, ये लंबे समय तक लगाई जा सकती हैं मुद्राएं, कोई फ़र्क नहीं है। बस शर्त यही है कि आपका वो मकसद जब पूरा हो जाए तो फिर उसको छोड़ दें। हाँ, बार बार वहाँ पे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है, बार बार उस एरिया में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार आपको लगता है कि अपान मेरा जो वायु है वो बिगड़ा है, तो उसमें आप लगा सकते हैं, खासकर जब जल संचय हो गया है उसके लिए। अब बात करते हैं कि इस मुद्रा के साथ ऊपर के एरिया में कहीं पानी इकट्ठा हो, जिसमें मैंने जलोदर आदि मुद्रा बताई थी, तो उस मुद्रा के साथ इसको लगाया जा सकता है कि नहीं? बेशक लगाया जा सकता है, जब आपको लगेगी दोनों की हेल्प लेनी है मुझे बॉडी से एक्सेस वाटर रिटेंशन को बाहर निकालने के लिए, तो पहले जलोदर आदि मुद्रा, फिर उसके बाद अपान मुद्रा, तो आराम से बॉडी से एक्सेस वाटर या अत्यधिक जल तत्व निकल जाएगा। दूसरी मुद्रा अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा ये थी। अपान वायु मुद्रा कैसे है? पहले वायु मुद्रा लगा लो, ऐसे वायु मुद्रा होती है, ये बॉडी से वायु को कम करती है, और ये अपान मुद्रा साथ में लगा दी और बन गई अपान वायु मुद्रा मिक्स। अब इसमें क्या फ़र्क है? ये पहली मुद्रा की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अपान के एरिया में पहले तो जल की द्वारा डिटॉक्स हो रहा था, यानी कि वो पानी अपने साथ गंदगी लेकर के डिटॉक्स करेगा बॉडी की। अब ये क्या है, ये वायु बॉडी से निकलेगी। इससे कई लोगों को वायु तो इससे कम हो जाती इस मुद्रा से, लेकिन ना बॉडी से वायु निकलती नहीं है, गैस पास नहीं होती है और बनना बंद नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में गैस बनती ही रहती है, कुछ बैक्टीरियाज की वजह से कह लो या कुछ आंतें गर्म रहने की वजह से कह लो, उनको गैस बनी रहती है। और इसके लिए आपको क्या करना है, ये मुद्रा आप योग के समय भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं, जब हार्ट अटैक आने की संभावना सी महसूस हो, कोई लक्षण से महसूस हो, तुरंत लगवा दी जाए, तो बॉडी से वायु इस तरह से फुर्र हो जाती है तुरंत कि हार्ट पे प्रेशर ही नहीं रहता। यानी जब वायु शरीर की नस नाड़ियों तक घुस जाए अंदर, उनको अपने पकड़ में ले ले, जब हार्ट बीट बढ़ जाए, जब आपको लगने लग जाए मैं, क्योंकि बढ़ेगी तो वायु से ही ना, तो आपको लगने लग जाए कि ये बॉडी भी अटैक कर रही है और अनकंफर्टेबल कर रही है, बहुत ज़्यादा बीपी शूट कर रही है, उस वक्त बीट बढ़ गई है, तो आप ये मुद्रा को लगवा सकते हैं। उसी वक्त आपको हार्ट अटैक में, मैंने देखा इसका काफ़ी अच्छा फर्स्ट एड के तौर पे इसको लगवाया जा सकता है, जब तक आप डॉक्टर आपके संपर्क में नहीं आता, आप पेशेंट को ये लगवा सकते हैं। और ये मुद्रा मृत संजीवनी मुद्रा भी बोलते हैं, क्योंकि ये मरते हुए को बचा लेती। क्यों जी? क्योंकि वायु से ही कितने रोग होते हैं। अब जब व्यक्ति ये वाली मुद्रा लगा कर बैठ के योग करता है, उसको पता ही नहीं ना चलता वायु से कभी आँख फड़फड़ा रही है, कभी हार्ट बीट तेज हो रही है, कभी वायु से यहाँ दर्द हो गई है, कभी वायु से यहाँ दर्द हो गई है। अब ये वाली मुद्रा काम नहीं करेगी, छोटी वायु वाली, ये तो सिर्फ पेट की वायु के लिए ही है। ये तो शुरुआत में वो योग में 6-7-8 मिनट लगा ले, ज़्यादा समय फिर वो ये लगाए बाद में अपान वायु मुद्रा। इससे क्या होगा कि वो उसके शरीर की जहाँ जहाँ भी वायु प्रकोपित, जिसने वायु ने जहाँ जहाँ जिस अंग को किया हुआ, वो वायु सारी की सारी मल द्वार से बाहर निकलेगी, अपान के अंगों से, अपान की साइड से। तो उससे होगा क्या कि हमारे ग्रंथों में लिखा है अपान अवात वाही भेषजाम, यानी जो वायु लैट्रिन वाले रास्ते से निकले तो ये बुरी नहीं होती, ये हमारे लिए औषधि के समान है, दवाई के समान है, ट्रीटमेंट एक तरह से है, ये हमारे लिए अच्छा है। तो उस वक्त आप अच्छा और लाइट महसूस करेंगे, आपके अंदर से टॉक्सिन्स यानी गैसेस जो तरह तरह की इकट्ठी हुई हैं उनको ये निकाल देती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को मैं कह रहा था ना हार्ट बीट बढ़ती है, कई लोगों को हार्ट बीट नहीं बढ़ती, अपनी नस नाड़ियाँ फड़फड़ाती हुई, कई कई बार सिर ऐसे ठस ठस टक टक की आवाज़ें सिर से आने लग जाती हैं, जैसे कोई हथौड़े चला रहा है,
तो इस तरह से आपको हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं भी वायु का प्रकोप सा नज़र आए तो ये वायु को निकाल देगी।